नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। हिमाचल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का यह मामला है। यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। हिमाचल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। वहीं कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का यह मामला है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। हिमाचल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को यह शिकायत दी है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का यह केस है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई है। बड़ी खबर बड़ी जानकारी, हिमाचल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का यह मामला है। यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। हिमाचल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। आपको बता दें, अक्सर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान वार पलटवार का दौर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में देखा जाता है। कहीं कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए नजर आती हैं, वहीं कहीं विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी कड़ी में कभी कभार जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी एक दूसरे को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच कंगना रनौत पर शिकायत दर्ज की गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश की सियासत तभी से अपने चरम पर है, गर्म है, क्योंकि जब से कंगना रनौत को मंडी सीट से भाजपा ने उतारा है और लगातार तभी से हिमाचल प्रदेश के अंदर देखे तो बयानबाजी का जो दौर है वो भी जारी है। चाहे बात कंगना रनौत की तरफ से हो या कांग्रेस से मंडी सीट पर प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की तरफ से हो, इसके बाद से तमाम तरीके के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। और बीते दिनों जिस तरह का बयान कंगना रनौत ने दिया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है और इसके अलावा उन्होंने हिमाचल के जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उनको भी पत्र सौंपा है। तो इस पत्र में खासतौर पर इन्हीं बातों का जिक्र है, जिस तरह से बीते बयान के दौरान कंगना रनौत ने मोतीलाल नेहरू, सोनिया गांधी, इसके अलावा संजय गांधी पर जिस तरह की टिप्पणी की उसको लेकर जो है कांग्रेस की ओर से शिकायत पत्र दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि कंगना रनौत ने इन नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप और इसके अलावा जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए टिप्पणी की है। तो ऐसे में इन सब बातों को लेकर कांग्रेस की ओर से शिकायत दी गई है। हालांकि एक शिकायत इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, जिसमें विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था। तो निश्चित तौर पर ये दूसरी बार है जब कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करवाई है कंगना रनौत के खिलाफ। वहीं कंगना रनौत की ओर से भी इससे पहले कांग्रेस और के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जब एक सोशल मीडिया हैंडल पर उनके खिलाफ कुछ उनके फोटोज के साथ कुछ वायरल किया गया था या कुछ अपलोड किया गया था फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसको लेकर भी कंगना रनौत की ओर से भी शिकायत दर्ज की गई थी। तो ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से टिप्पणियां भी आ रही है तो उसके बाद उसको लेकर शिकायत भी दर्ज की जा रही है। तो इस तरह का जो राजनीतिक माहौल है वो पहली बार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। हिमाचल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है, कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। हिमाचल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। अभद्र टिप्पणी का यह पूरा मामला है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। हिमाचल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को यह शिकायत दी है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, अक्सर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान वार पलटवार का दौर देखा जाता है, टिप्पणियां की जाती हैं। अब इसी बीच कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का केस कंगना रनौत पर दर्ज किया गया है, शिकायत दर्ज कराई गई है। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत दर्ज करवाई है। यह शिकायत बीजेपी विधायक हंसराज की ओर से दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक मंचों पर नजर आए, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नालागढ़ क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही शिमला लोकसभा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पैसों के दम पर विधायकों को खरीदा और सरकार को गिराने की कोशिश की। ये आजादी के इतिहास का पहला ऐसा मुकदमा है जहां तीन आजाद विधायक विधानसभा के गेट के बाहर बैठे हुए कह रहे हैं कि हमारा इस्तीफा लो। भाई तुम्हारा इस्तीफा तुमने तो नालागढ़ की जनता ने चुनकर भेजा है, फिर क्या हुआ? अब जो स्पीकर होता है वो भी एक कोर्ट होता है, उसने बोला इस्तीफा मैं लूंगा। एक महीने बाहर आप रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूमे हैं, फाइव स्टार में घूमे हैं, अच्छी बात है घूमिए, लेकिन हमें एक बार पूछे तो नोटिस जारी किया कि आप बताइए कि आप इस्तीफा फिर आए कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। स्पीकर महोदय ने पूछा कि आप स्पीकर क्यों देना चाहते हैं? आज कांग्रेस की सरकार है इसको समर्थन करो, कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आप उसको भी समर्थन कर सकते हैं, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहते नहीं मैं इस्तीफा देना चाहता, रकम बड़ी भारी है। क्या होगा? रकम बड़ी भारी है। अब अगर हम भागे तो पीछे अमित शाह लगा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पांवटा साहिब क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। लोगों को हमारी ये नीतियां रास नहीं आ रही थी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। मैंने कहा हमारे चुनाव 2027 में होने हैं, 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस प्रदेश में विकास की गाथा लिख चुके हैं। बार बार हमसे मांग करते थे कि बुढ़ापे में हमें 2700 रुपया पे मिलेगी, सिर्फ पेंशन मिलेगी सिर्फ 2700 रुपया, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। पहले ही कैबिनेट थी, कैबिनेट का विस्तार एक महीने पहले हुआ और हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को 2003 से ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया और आज मुझे खुशी है। हमीरपुर के भोरंज मंडल में बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं अनुराग ठाकुर का कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। अनुराग जी, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चारों लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करेगी, वहीं पर 6 उपचुनाव होने जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर विधानसभा के, उसमें भी भारी मतों से परचम लहराएगी। ये आपका आशीर्वाद, आपके नेतृत्व की क्षमता, मोदी जी का करिश्मा और तमाम जो हमारे लीडरान हैं उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन देश को सुरक्षित रख सकता है? देश की सेना रख सकती है और सेना को मजबूत मोदी जी करते हैं। कांग्रेस ने तो 10 सालों में कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, मोदी जी ने 2,00,000 बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, रफाल विमान दे दिया, तेजस लड़ाकू विमान देश में बना दिया, INS विक्रांत युद्ध पोत देश में बना दिया, ब्रह्मोस मिसाइल बना दी, लेटेस्ट हथियार बनाकर दे दिए श्रीकांत जी के उत्तर प्रदेश में। अब तो रायबरेली में हमने AK-203 लेटेस्ट राइफलें भी वहां पर बनानी शुरू कर दी, डिफेंस कॉरिडोर बना दिया। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत सरकाघाट क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र हिंदुओं और बीजेपी का गढ़ है, इसलिए यहां पर हर हाल में भगवा लहराएगा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। मेरा ये मानना है कि जो हमारा जो मंडी का सांसद, हमारी जो ये संसदीय क्षेत्र है, इसके बारे में लोगों का ये कहना है कि ये भाजपा का गढ़ है,
ये सब सनातनी हिंदुओं से भरा हुआ है और ये देशभक्तों से भरा हुआ है, ये सारे देश में चर्चा होती है। ये लोग आते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, काम करते हैं और सरकार चेंज। 1000 से ज्यादा कार्यालय इन लोगों ने बंद करा दिए हैं, सारे प्रोजेक्ट बंद करा दिए हैं और इनसे क्या ही होगा, खुद ही आपस में लड़ मर रहे हैं ये, आप लोगों का तो क्या ही कल्याण करेंगे, खुद की सरकार तो ये चला नहीं पा रहे हैं। 25,000 से ज्यादा करोड़ की राशि इन लोगों ने मात्र 10-15 महीनों में ही ले ली और कहां गई, क्या उसका किया, कुछ पता नहीं। कितने ज्यादा झूठ इन्होंने बोले, 1500 रुपए देंगे हम आपको, ये देंगे हम आपको, 100 रुपए लीटर में हम दूध खरीदेंगे आपसे, 2 रुपए में हम आपसे गोबर खरीदेंगे, हम मुफ्त इलाज किया करेंगे सबका, न जाने कितने झूठ बोले दोस्तों। और करना तो क्या ही था, जो भाजपा की सरकार यहां कर रही थी उसका भी सारा बेड़ा गर्क करती। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में होने हैं, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा अभी से 7वें आसमान पर है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी प्रहार तेज हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लोक हितकारी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को देश के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे सभी को पता है, कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जो लॉन्च किया, 5 न्याय और 25 गारंटी, उसमें महिला का बहुत, जो महिलाओं के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही देश में ऐसी पार्टी है जो शुरू से हमेशा महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे रखती है। चाहे आप देश की सबसे पहले स्पीकर लगा लीजिए, वो कांग्रेस थी, देश की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, वो कांग्रेस से थी, देश की पहली राष्ट्रपति बनी कांग्रेस, और इसी सिलसिले में अब जो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ये महालक्ष्मी स्कीम न्याय के तहत लेके आई है, जिसमें गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को 1,00,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, 1,00,000 रुपया सालाना, और ये डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा। हर एक गरीब घर की महिला को आधी आबादी पूरा हक, और ये बीजेपी ने जो रिजर्वेशन की बात की और उनकी तो हवा वाली बात की। मंडी में कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष जैनब चंदेल और कांग्रेस उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान उपस्थित रहे। जैनब चंदेल ने कंगना को घेरते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस नेताओं को दुष्ट कह रही है, पूर्व में कंगना का परिवार कांग्रेस पार्टी में ही शामिल था और उनके परदादा कांग्रेस पार्टी के विधायक भी रहे हैं। वहीं महेश्वर चौहान ने कहा कि चुनावों के दौरान बीजेपी मुद्दों से हटकर बातें कर रही है और अभद्र टिप्पणियां करने में लगी हुई है। महिलाओं की वो बड़ी बात करती है, पूरे देश भर में जो महिलाओं का पिछले 10 वर्ष में हालत रही है वो किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो हाथरस है, उनाव है, अंकिता भंडारी है, BHU है, मणिपुर है, और आपने देखा होगा कि जो महिला पहलवान खिलाड़ी थे उनके साथ क्या बिहेव किया गया, उनके सांसद के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। क्या हमारी प्रत्याशी ने इन जो ये महिलाएं हैं, जो ये इतने केस हुए, इनके बारे में कभी एक भी शब्द कहा? करगिल युद्ध का जो सैनिक था उसकी पत्नी को, उसकी धर्म पत्नी को मणिपुर में नंगा घुमाया गया। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार का स्तर लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर गिराया है, और बड़ा चिंता का विषय है कि जो मंडी की प्रत्याशी जिस तरह से हमारे प्रत्याशी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही हैं और जिस तरह की निचले स्तर की बयानबाजी हो रही है, वो हिमाचल की स्वस्थ परंपरा के लिए चिंताजनक है। और जिस तरह उन्होंने प्रयत्न किया है अपनी बातें रखने का, मैं उनको बताना चाहता हूँ, तो इस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपना उल्लू सीधा कर सकती है, लेकिन हिमाचल में चुनाव हिमाचलियत पे होगा और मुद्दा आधारित राजनीति कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्होंने जिस तरह से 15 महीने के अंदर त्रासदी के अंदर जो हमको पैकेज चाहिए था केंद्र सरकार से, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है
इन 15 महीनों में। तो हिमाचल की जो केंद्रीय मदद थी उसको रोकने का प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसी को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में भंजार विधायक सुरेंद्र सौरी ने कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसके साथ ही बंजार निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत पत्र भेजा गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मंडी सीट के लिए बंजार कला केंद्र में कांग्रेस की ओर से चुनावी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जनता को एचआरटीसी की बसें नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रैली में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और लोकसभा के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कल हमने देखा था किस तरह से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग इस कांग्रेस सरकार ने किया है और किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया है, किस तरह के से अधिकारी कांग्रेस के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं, यह पिछले कल बंजार में देखने को मिला। अभी हम एसडीएम बंजार से मिलके आए हैं, उनके माध्यम से हमने मुख्य चुनाव आयुक्त हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर कुल्लू, जिला निर्वाचन अधिकारी कुल्लू को भी हमने इसकी कॉपी प्रेषित की है। देशभर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है, इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस ने नशा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी मदन धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च से लेकर 3 मई तक पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में लाहन के ड्रमों को नष्ट किया है और अवैध रूप से बनाई गई, इसके साथ ही अवैध रूप से बेची जा रही अंग्रेजी देशी शराब के 49 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नशा कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीमों का गठन किया है, जो लगातार नशा कारोबारियों को पकड़ने में लगी हुई है। जब से आचार संहिता लगी है आम चुनावों की, उसमें जो ये रहता है कि आपने जो है डिटेक्शन, जिसमें जो है मादक पदार्थ होते हैं, एक्साइज होता है और इसके अलावा जो फोकस रहता है वो उद्घोषित अपराधी जो न्यायालय से होते हैं उनको गिरफ्तार करना होता है और साथ में जो है जितने भी आर्म आपके इलाके में हैं उनको जो है डिपोजिट करना है कंसर्न थाने में, वो इन पर मेन फोकस रहता है। इसके अलावा जो गिरफ्तारी वारंट जो न्यायालय से होते हैं उसका एग्जीक्यूशन भी पुलिस के द्वारा करवाया जाता है। तो इसी में ही सबसे पहले तो जो मादक पदार्थ और दूसरा जो है जो आबकारी अधिनियम जो एक्साइज, इसमें जो है जिला बिलासपुर ने अभी तक जो काफ़ी अच्छा काम रहा है। जिला मुख्यालय नाहन और आसपास के क्षेत्रों में बिजली विभाग के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर विभाग ने सिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मुहिम के तहत विभाग ने करीब 100 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटकर 5 लाख रुपए की लंबित राशि वसूल करने में सफलता हासिल की है। वहीं बिजली विभाग के एसडीओ महेश चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नाहन और आसपास के इलाके में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की संख्या 200 तक पहुंच चुकी है, जिन पर विभाग की करीब 16 लाख रुपए की राशि लंबित है। मैं महेश चौधरी, सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल नाहन में कार्यरत हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उपभोक्ता ऐसे हैं नाहन शहर में व आसपास के गांव में जो बिल जमा नहीं करवा रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो टोटल कंज्यूमर थे वो लगभग अब बढ़कर 200 के आसपास हो चुके हैं, जिनका बकाया राशि जो है वो 16 लाख के आसपास बढ़ चुकी थी, जिसके ऊपर बिजली विभाग ने कार्यवाही करते हुए नाहन शहर व आसपास के क्षेत्रों में लगभग 100 के आसपास कनेक्शन काटे हैं और कार्रवाई की है और लगभग 5 लाख के आसपास की रिकवरी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।